शिव महाप्राण हर हर महादेव रुद्र संहिता अध्याय 49-50-51 शिव के विवाह का उपसंहार। उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोहबर में और वास भवन में जाना, वहाँ स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रीत की प्रार्थना से जो है शिव द्वारा काम को जीवन दान देना, यौन वरदान प्रदान, वर वधू का एक दूसरे से मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवास से वापस लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर के परमेश्वर माहेश्वर से प्रेरित होकर के ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बैठा करके वहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर के लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक देव की परिक्रमा करने लगे। तदंतर नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने शिव जी की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया, तत्पश्चात हृदयालंब का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्थ वादन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में जो है सिंदूर दान दिया। उस समय गिरिराज नंदनी उमा के शोभा अवर्णनीय हो गई थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वह शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। इसी प्रकार से उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर के अपने स्थान पर आसन प्राशन किया। इस प्रकार विधिपूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक स्रष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर स्वयं शंभु ने आचार्य को गोदान किया मंगलदायक। जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वह सब जो है हर्ष संपन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक रूप से 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में ही बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से जो है मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों के मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगे। इस प्रकार जो है भगवान श्री विष्णु मैं देवता ऋषि तथा अन्य सब लोगों मिलकर के गिरिराज से आज्ञा ली। बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंदमय हो गई। शिव और पार्वती को लेकर के कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदरपूर्वक जो है वरवधू का स्वागत किया और लोकाचार का संपादन करवाया। उस समय सब और परमानंद ही आनंद छा गया। तदंतर वह स्त्रियाँ उन लोगों का कल्याणकारी दंपत्ति के साथ ले परम दिव्य वास भवन में कौतुकागार में गई। वहाँ जो है प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया गया। इस प्रकार से जो है स्त्रियों ने आकर के मंगल कृत किया, नवदंपत्तियों को केल गृह में पहुँचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय नूतन दंपतियों को देखने के लिए 16 दिव्य नारियाँ बड़े आदर के साथ जो है शीघ्रतापूर्वक वहाँ आई। उनके नाम इस प्रकार थे: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा आदिति, शची, लोपा, मुद्रा, रुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएँ तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनिकन्याएँ भी वहाँ आ गई। वहाँ जितनी स्त्रियाँ उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिव्य दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने जो है शिव जी से नाना प्रकार के विनोदपूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित्त होते हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला, वहाँ पान भी खाया। इस प्रकार से जो है रति ने दीनदयाल उसल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पाणि ग्रहण करके आपने अत्यंत ही दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ को, जो सर्वथा स्वार्थ रहित
थे, आपने क्यों भस्म कर दिया? अब वहाँ मेरे पद को जीवित करिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार में जगाइए, और आपको और मुझको जो सम्मान नियोजित किया गया है, जो आपने जो है समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त किया है, उसे दूर कर दीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पद के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव देव शंकर प्रसन्न हुए और मुझे स्नात कीजिए। दीन बंद हो, परम बंद हो, अपनी कही हुई बात को आप सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपका शिवा दूसरा कोई उन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ है। ऐसा कह करके मुझ दीनदयाल प्रभु महादेव आप दया कर दीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको जो है आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनवाइए और मेरे प्राणनाथ को जीवित करने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे प्रिया पार्वती, के साथ आपका सुंदर वियोग विहार परिपूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आपकी लीला को परमेश्वर कौन जान सकता है? यहाँ अधिक से अधिक बोलने की क्या आवश्यकता है? सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसा कह करके रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कह करके रोने लगी। रति का रोदन सुन करके सरस्वती आदि सभी देवियाँ रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीनबंधु हैं और दया के सागर हैं, अतः आप कामदेव को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है, ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सबकी यह बात सुनकर के महेश्वर प्रसन्न हो गए और उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणि की अत्यंत अमृतमय नई दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप द्वेष और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को ऐसे ही रूपा आकृति मंद मुस्कान और धनुष्मान से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया, वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ से पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान शिव को अपने जीवन जीवित पति के साथ हाथ जोड़ करके बारम्बार साष्टांग दंडवत करते हुए रति पत्नी सहित कामदेव की प्रस्तुत की और महादेव अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से बोले, शंकर जी ने कहा, मनोभव यानी कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर के कामदेव महानंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़ करके सिर झुका करके गदगद वाणी में बोले, कामदेव आज कामदेव ने कहा, देव देव महादेव गरुड़ा सागर प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक हुई और प्रभो पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। सज्जनों के द्वारा परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुन करके परमेश्वर से प्रसन्न होकर के बोले, बहुत अच्छा, इसके लिए जो है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कर्णाधान ने हंस करके महादेव ने, महामते कामदेव तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिव जी के प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएँ बिठा करके मिष्टान भोजन करवाया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुँह मीठा किया। तदंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत करके मैना और हिमवान की आज्ञा लेकर के भगवान शिव जन्माशय में चले गए। मुनि, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोगों के द्वारा इस प्रकार से जयकार करते हुए जन्माशय से अपने स्थान पर पहुँच करके भगवान महादेव शिव शंकर ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। इस प्रकार से सब देवता आदि ने उनकी वंदना की तथा उसी समय जो है वहाँ जय जयकारा बोल करके नमस्कार करते हुए समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली सुदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने श्री शंकर जी की स्तुति की। गिरिरा
जिनायक महेश्वर की स्तुति करते हुए वह विष्णु भगवान आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर समूह ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने अपने विश्राम स्थान को गए। इस प्रकार से जो है शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 49-51 पूर्ण हुआ। बोलिए हर 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 महादेव, भोले शंकर शिव शंकर नाथ की जय।